नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज यूपी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बजट 2021 आ गया है। सीएम योगी ने इस बजट को नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का बजट बताया है, जिसमें सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास की भावना को खास तौर पर ध्यान में रखा गया है। इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश का बजट पेपरलेस रहा, जहाँ इस बार अटैची की जगह प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के हाथों में लाल कवर के अंदर आईपैड नजर आया। उत्तर प्रदेश के इस डिजिटल बजट में गांव में बिजली आपूर्ति के साथ गांव को डिजिटल बनाने तक के लिए बजट रखा गया। योगी सरकार के बजट 2021 में गांव शहर के विकास के साथ ही किसान, मजदूर, छात्र, खिलाड़ी, महिला, स्वास्थ्य और रामनगरी के विकास का भी विशेष रूप से ख्याल रखा गया है। तो आइए अब आपको बताते हैं योगी सरकार के बजट 2021 से जुड़ी इन 10 बड़ी बातों के बारे में। शुरुआत करते हैं रामनगरी अयोध्या से। रामनगरी में भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, जिसके साथ ही अयोध्या नगरी के विकास के लिए इस बार योगी सरकार ने अयोध्या के लिए 140 करोड़ का बजट दिया है। इस भारी भरकम बजट के माध्यम से अयोध्या में भगवान श्री राम के नाम से 101 करोड़ की लागत वाला एयरपोर्ट बनने की भी बात कही गई है। दूसरी बड़ी बात किसानों को लेकर है। योगी सरकार ने किसानों की सुरक्षा और विकास के लिए इस बार प्रदेश के बजट से लगभग 2000 करोड़ से भी ज़्यादा का बजट किसानों को दिया है, जिससे मुफ्त में पानी, सिंचाई परियोजना, सस्ते दामों पर लोन, 15,000 सोलर पंप की व्यवस्था, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, जिसके माध्यम से योगी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने पर अपना पूरा फोकस रखेगी। योगी सरकार के बजट 2021 से जुड़ी तीसरी बड़ी बात महिलाओं की सुरक्षा और विकास को लेकर है। इस बार महिला कल्याण के लिए योगी सरकार ने लगभग 5000 करोड़ का बजट रखा है। इसमें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, महिला सामर्थ्य योजना, संचालित पुष्टाहार कार्यक्रम, राष्ट्रीय पोषण अभियान और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति को विशेष रूप से बल दिया गया है, ताकि प्रदेश में महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ उनकी सुरक्षा का भी विशेष रूप से ध्यान दिया जा सके। चौथी बड़ी बात छात्रों से जुड़ी हुई है। योगी सरकार ने छात्रों के लिए इस बार बजट में कई ऐलान किए हैं। इन ऐलानों में युवाओं के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत पात्र छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाले गरीब छात्रों को गुरुकुल पद्धति के हिसाब से छात्रावास और भोजन की सुविधा को मुफ्त में उपलब्ध करवाया जाएगा। पांचवी बड़ी बात स्मार्ट सिटी को लेकर है। योगी सरकार ने बजट में प्रदेश के 10 शहर, जिसमें लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद, अलीगढ़ शामिल है, इन शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 2000 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया है। बजट की छठी बड़ी बात स्वास्थ्य को लेकर है। प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए शहरी स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के लिए बजट रखा गया है। प्रदेश के जनपदों में नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण करने, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से बजट रखा गया है। सातवीं बात मजदूर और कामगारों के लिए है। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन में विभिन्न प्रदेशों से वापस आए प्रदेश के श्रमिकों और कामगारों को रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना लाई जा रही है। इसी के साथ पल्लेदारों, श्रमिक परिवारों तथा असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने हेतु मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत करने के लिए भी बजट में प्रस्ताव रखा गया है। बजट की आठवीं बड़ी बात प्रदेश में पशुपालन और गायों की सुरक्षा को लेकर है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि गोवंश के संरक्षण के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, अलग अलग जगहों पर गौशालाएं बनाई जा रही हैं, कान्हा गौशाला और बेसहारा पशु आश्रम योजना को और भी बल दिया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2030 तक प्रदेश के पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग से मुक्त कराया जाने का लक्ष्य इस बजट में रखा गया है। नौवीं बात प्रदेश के युवाओं को रोजगार कैसे मिले, इसके लिए भी बजट रखा गया है। इसमें 12 जनपदों में मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित किए जाने की योजना प्रस्तावित की गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दावा किया कि इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार से जोड़ने में मदद मिलेगी। दसवीं बड़ी बात प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने से जुड़ी हुई है। इसके तहत प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए युवा खेल विकास और प्रोत्साहन योजना, युवा
युवाओं में फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए गांवों में स्टेडियम और ओपन जिम का निर्माण करवाने की योजना लाई जा रही है। इसी के साथ ही पश्चिम उत्तर प्रदेश में जनपद मेरठ में नए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा भी की गई है। तो यह थी योगी सरकार के बजट 2021 से जुड़ी वो 10 बड़ी बातें जिसको लेकर सीएम योगी ने कहा कि ये नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का बजट है। आपकी क्या राय है इस पूरे बजट को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। और उत्तर प्रदेश से जुड़ी अब हर एक खबर को देखने के लिए आप भी सब्सक्राइब करें वीके न्यूज़ यूपी। धन्यवाद।